मेरे YouTube चैनल हिमा क्रिएशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम ऊन से रक्षाबंधन कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए मैंने रक्षाबंधन कैसे बनाया है, इसे हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। इसके लिए क्या क्या सामग्री लगती है चलिए देख लेते हैं। देखिए हमने ये फॉर्म लिया है और दो कलर का हमने ऊन लिया है। उसके बाद हमने क्या लिया है, दो मोती लिया। मोती हम एक ही यूज करेंगे और ये हमने चार लेंथ में धागा डाल के सुई में पहले से रख लिया है। ये मैंने सेलो टेप लिया है और ये बिंदी का हमने ढक्कन लिया है। देखिए बिंदी का ढक्कन हमने नहीं लिया है, जो हमें गोल शेप में ये फॉर्म को काटना है और ये हमने कैंची लिया है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, इस ढक्कन को ले लेंगे और इसको यहाँ पर रख के गोल तरीके से फॉर्म को काट लेंगे। तो चलिए फॉर्म को काट लें। देखिए हमने फॉर्म को गोल तरीके से काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊन को ले लेंगे, जो दो हमने दो कलर ऊन लिया है, इसको क्या करेंगे एक दूसरे से इस तरह मिलाएंगे। इसको एक दूसरे से हम क्या करेंगे, इस तरह हम मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमारा ये हाथ है उसकी चार उंगलियां हमें लेनी है। इस तरह चार उंगलियां हम ले लेंगे और लेने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पकड़ेंगे इस तरह। इसका पकड़ने के बाद हमें 10 से 12 बार इस तरह लपेटना है ऐसे करके। तो चलिए लपेट लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसको लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसको धीरे से हम हाथ से निकाल लेंगे और इन दोनों में से कोई भी कलर का एक धागा हमें काट के ले लेना है। तो चलिए काट के ले लेते हैं। देखिए हमने एक कलर का धागा काट के ले लिया। अब इसको बीचों बीच में हमें इसको दो से तीन बार लपेट के बांधना है। तो चलिए बांध लेते हैं। देखिए हमने बीच में इसे बांध लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमारा जॉइंट पार्ट जहाँ हमने जॉइंट करके लपेटा, इसको साइड साइड से हमें काटना है। तो चलिए काट लेते हैं। देखिए जो हमारा साइड से जॉइंट था हमने काट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हाथ की सहायता से इसको इस तरह ऐसे करना है। हम सब तरफ से इस तरह इसे ऐसे कर लेंगे, मतलब इसको सब तरफ से हमें फैलाना है। आप फैलाने के बाद क्या करेंगे, जो हमने ये फॉर्म काट के लिया था इसके ऊपर हमें इस तरह ये रखना है और इसी के साइज का हमें गोल शेप काट के लेना है। तो चलिए काट के ले लेते हैं। देखिए हमने फॉर्म रखे इसको गोल सा कट कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, साइड में रख लेंगे और जो हमने ये दोनों ऊन का लिया है, अब इसको क्या करेंगे, हमें चार से पांच बार, मतलब तीन बार ये लेंथ लेना है, लंबा लंबा हमें इस तरह, मतलब हमारे कलाई से डबल लेना है क्योंकि हमें इसकी चोटी बनाना है। तो हमारे कलाई के अनुसार इसमें डबल कप लेना है। तो हम क्या करेंगे, चार चार बार दोनों पीस को ले लेंगे। तो चलिए इसको कट करके ले लेते हैं। देखिए हमने चोटी बनाने के लिए ये हमने ऊन का कट करके ले लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए हमने जो कट करके लिया इसको इस तरह हमें रखना है। इस देखिए इस तरह हम रखेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, जो हमने सेलो टेप लिया था, सेलो टेप इसके ऊपर हमें इस तरह चिपका देना है। ये इसको बराबर से रखने के बाद इसके ऊपर इस तरह यहाँ पर चिपकाना है। तो चलिए चिपका देते हैं। देखो हमने सेलो टेप की सहायता से इसे चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका चोटी गूँथेंगे। तो इसको तीन लेंथ में लेना, जैसे हम बाल की चोटी गूँथते हैं वैसे इसको गूँथना है। तो चलिए इस तरह गूँथना इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने शुरू से यहाँ तक का चोटी गूँथ लिया है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इतना छोड़ देंगे और इस तरह यहाँ पर एक गट्ठी लगा देंगे। तो चलिए गट्ठी को लगा लें। देखिए हमने गट्ठी लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, सेलो टेप को यहाँ से भी निकाल देंगे और दोनों साइड जब हमारा ये गट्ठी लग जाएगा, तो गट्ठी लगने के बाद हमें क्या करना है, इसको बराबर लेंथ में काट लेना है। मतलब छोटा सा यहाँ जो खुला हुआ भाग है इतना हमें कट करके निकाल देना है। तो चलिए अच्छे से कट करके इसको सेट कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड हमने सेट कर लिया है कट करके। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह बराबर लेंथ में हमें नाप लेना है। इस तरह हम क्या करेंगे, नाप लेंगे और नापने के बाद जो हमने ये बनाया है दो कलर का बीच का रक्षाबंधन का भाग, उसको हमें इस तरह इसके ऊपर रखना है और सुई धागा से हमें इसको टाँग देना है। तो चलिए सुई धागा से हम इसे टाँग देते हैं। देखिए हमने इसको टाक दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में हम ये मोती लगाएंगे। आप कुछ कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, पर हम ये हमारे पास ये मोती था तो चलिए इस मोती को इसमें लगा देते हैं।
देखिए हमने मोती लगा दिया। इस तरह ये हमारा सिंपल सा राखी बनके तैयार हो चुका है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।